नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। इंदौर जिले की देपालपुर तहसील के ग्राम फूलान में इंदौर लोकायुक्त की टीम ने एक पटवारी को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फरियादी से 75,000 रुपए की मांग की थी। पकड़े गए आरोपी पटवारी का नाम अनिल सिसोदिया है। आरोपी ने एक किसान सुभाष चंद्र शर्मा से उसकी बहन तेजुबाई की कृषि भूमि का बंटवारा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने के नाम पर रुपयों की मांग की थी। क्या मामला था यहाँ पे? अरे बहन का है रक्षा। हाँ, बहन का नाम कटवाना था। बहन के नाम पे जितनी छोड़नी इतनी छोड़ दो, एक बीघा छोड़ना था, एक बीघा छोड़ दो, बाकी मेरे नाम पे करो। तो पहले 1,00,000 मांगा। कितने मांगी रिश्वत? 1,00,000 पटवारी जी ने। हाँ, फिर 80,000 मांगे, फिर 75,000 में टूटा, फिर 10,000 दिए। अभी पहले किस्त थी? पहले किस्त 65,000, 2-4 दिन बाद, 2-4 दिन के बाद थी।